हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टाइलिस्ट, मैं हूं आप सभी की होस्ट शैली। वेल फ्रेंड्स, कहा जाता है डॉग इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट लव्स यू मोर देन ही लव हिमसेल्फ। और ऐसा सही में है और ऐसा सभी पेट लवर्स का भी मानना है और पेट ओनर्स का भी मानना है। पर आजकल देखा जाता है कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल और हाईटेक स्केड्यूल्स में से हम टाइम नहीं निकाल पाते अपने पेट्स के लिए। बट कैसे आप अपने पेट्स को ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, और जब आप घर पे अवेलेबल नहीं है या अगर आपके पास टाइम नहीं अपने पेट्स के लिए, तो उन्हें कहाँ भेज सकते हैं आप? इसके लिए मैं आप सभी को लेकर आई हूँ अल्फा 11 में, और हमारे साथ इस समय मिस्टर राजेश हैं जो इसके ओनर हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी अल्फा 11 क्या मतलब है इसका? देखिए, अल्फा 11 एनिमल्स के जो भी एनिमल्स पैक में रहते हैं उनमें टॉप डॉग को अल्फा डॉग बोलते हैं, तो उसी को देखते रखते हुए हमने अल्फा 11 नाम रखा है। अच्छा, और अगर बात करूँ मैं फैसिलिटीज की, हाँ, तो यहाँ पर बोर्डिंग भी दी जाती है डॉग्स के लिए और साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। हाँ, तो क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, बोर्डिंग में क्या है, आप बाहर जा रहे हैं कहीं, आप किसी वजह से घर में अपने डॉग को नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे पास उसको भेज सकते हैं। और ट्रेनिंग में यहाँ हर तरीके की ट्रेनिंग, ओबिडेंस ट्रेनिंग, बेसिक ओबिडेंस ट्रेनिंग, एजिलिटी ट्रेनिंग हम ही ने इंट्रोड्यूस करी है इंडिया में, तो ये सारी ट्रेनिंग्स यहाँ होती हैं। इसके अलावा बिहेवियर प्रॉब्लम्स वाले डॉग्स का बिहेवियर करेक्शन भी होता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स आपने जैसे कि नाम लिया, तो ये क्या दिक्कतें होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, बहुत सारी वजह से डॉग्स ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं कि घर में आने वाले विजिटर्स को काटना, या घर में ही घर के मेंबर्स को डोमिनेट करना, उनको काटना, अपनी मर्जी चलाना जी। और या डिस्ट्रक्टिव हो जाना, ऐसे डॉग्स को प्रॉब्लम डॉग्स बोलते हैं। अच्छा, तो उनको उसके बाद आप गाइडेंस देते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है? हाँ जी, उनको यहाँ आके ट्रेन किया जाता है, साथ में उनके ओनर्स को भी ट्रेन किया जाता है। क्योंकि आपने अगर अपने डॉग को हैंडल करना सीखना है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका डॉग कैसे, किस टेम्परामेंट का, किस पर्सनैलिटी का, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि आपसे कंसल्ट किया जा सकता है कि कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, साथ ही साथ अगर किसी के पास कोई पेट है, जैसे कि आपने बताया कि साइज़ की कमी पड़ रही है उनके घर में, घर छोटा पड़ रहा है, तो उसके बाद उस डॉग का क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर डॉग बड़ा है और रखना ही है, क्योंकि आप डॉग बाहर छोड़ नहीं सकते हैं, रखना ही है, तो फिर उसकी सबसे ज़रूरी बातें ये है, खाना खाने की बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। मगर उसके बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसकी एनर्जी जो है वो कहाँ खेलेगा, कैसे अपना टाइम पास करेगा, क्या आपसे क्या खाने के अलावा क्या मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो उसके लिए अब शहरों में घुमाने की बहुत जगह नहीं होती है जी। बाहर यूरोप या अमेरिका में देखा गया कि बड़े बड़े डॉग पार्क्स होते हैं, अभी हिंदुस्तान में वो चलन शुरू नहीं हुआ है। तो हमारी ये फैसिलिटी है जहाँ हम डे बोर्डिंग फैसिलिटी देते हैं, यहाँ आप या तो आप खुद भी अपने डॉग्स घुमाने के लिए, खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए ला सकते हैं, और या फिर हम आपके डॉग पिक करके यहाँ खिलाने के बाद उनको शाम को छोड़ते हैं। ओके, तो यानी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी डॉग्स के लिए अवेलेबल है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको डॉग्स खेलते हुए नजर आएंगे, और इनकी डे बोर्डिंग फैसिलिटी ही अभी मेरे ख्याल से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डे बोर्डिंग फैसिलिटी के लिए हैं डॉग्स, जहाँ ये इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपके डॉग्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। साथ ही साथ जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा है कि स्विमिंग की फैसिलिटी भी है डॉग्स के लिए, स्विमिंग इसके बारे में बताइए। देखिए, स्विमिंग एक अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा डॉग्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है हिप डिस्प्लासिया जी, या ऐसे डॉग्स जिनके हिप वीक होते हैं या हाइंड लेग्स उनकी वीक्स होती हैं, उनको सरफेस पे दौड़ना भागना उनके लिए नुकसानदेह होता है, तो उनके लिए स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है उनके हाइंड पोर्शन को मजबूत करने के लिए। तो एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्विमिंग एक अच्छी चीज़ हो गई है, फिर स्विमिंग अपने आप में एक स्पोर्ट्स भी है। यहाँ आप देखेंगे डॉग स्विमिंग कैसे एंजॉय करते हैं, और इसके अलावा जैसे बॉल रिट्रीविंग है, ये मेरे पास बॉल है, इसको फेंकूंगा, तो यहाँ हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ आराम से डॉग्स बॉल रिट्रीव करके ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉग्स उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो राजेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ डॉग्स का इतना केयर किया जाता है, आपको मालूम है कि डॉग्स को क्या क्या चाहिए और यहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो आपने कहाँ से सीखा कि डॉग्स ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने? देखिए, पहले मेरा अपना खुद का शौक था, बचपन में डॉग्स का बहुत शौक था। उसके बाद मैंने, मतलब आज से करीब 22 साल पहले की बात है, कि जब ये डॉग्स, हमारे डॉग्स का ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, लोगों ने स्टेटस सिंबल या डॉग्स को लेकर प्यार की वजह से डॉग्स रखने शुरू ही किए थे, उस समय मैंने पहले दिल्ली पुलिस के कुछ ट्रेनर्स थे, मिस्टर प्यारेलाल कौशल, उनके साथ सीखा है। उसके बाद फिर मैंने जर्मनी जाके वहाँ के प्रोफेशनल ट्रेनर से जाके वहाँ उनके साथ काम किया है, ट्रेनिंग लिए, और ये सब कुछ मैंने वहीं देखा है कि डॉग्स को लेके कितनी सुविधाएं होती हैं। तो वहाँ से लौट के आने के बाद मैंने चाहा कि ये फैसिलिटी यहाँ के डॉग ओनर्स को भी मिले, उनके डॉग्स भी यहाँ के एंजॉय करें।
तो राजेश जी, अपने व्यूवर्स की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक कि अगर किसी ने पेट अडॉप्ट नहीं किया था, डॉग इसलिए अडॉप्ट नहीं किए थे कि कैसे संभालेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और ऑलरेडी जिनके पास पेट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने पेट नहीं पाला है अभी तक और आप चाहते हैं पालना, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ब्रीड चूज कर सकते हैं, और बाकी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चाहे उनको उसको डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको डे बोर्डिंग की ज़रूरत है, उसको एक ऐसे डॉग रिजॉर्ट की ज़रूरत है जहाँ जाके वो इंसानों की तरह इंजॉय कर सके, तो हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तक कि हमारे पास इनके लिए एक डॉग सैलून भी है जहाँ वो अपने डॉग्स को टाइम टू टाइम ब्यूटिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं, और साथ ही साथ रिजॉर्ट की भी फैसिलिटी है आपके यहाँ पे, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे रिजॉर्ट में यहाँ एक ऐसी फैसिलिटी भी है जहाँ डॉग्स पिकनिक करने भी आ सकते हैं या अपने अपना जन्मदिन मनाने भी आ सकते हैं। हमारे पास डॉग्स के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट है जो अपने फ्रेंड्स के साथ डॉग्स यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं। बोलिए, तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि अब आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एक पेट अडॉप्ट करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो अब आपको केयर करने की, अगर आपको नहीं पता कि कैसे केयर करनी चाहिए, तो मिस्टर राजेश हैं इन सब चीज़ों के लिए। और जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि आपके डॉग्स के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए भी ये जगह आपके पास है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि पार्क्स में डॉग्स अलाउड नहीं होते, या अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपके डॉग अवेलेबल मतलब अलाउड नहीं होते, बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें अलाउड हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ डॉग से प्यार किया जाता है, उनके साथ जिया जाता है, उनके साथ खाया जाता है, उनके साथ खेला जाता है, और यही है ज़िंदगी कि आप हंसते खेलते इन सभी पेट्स के साथ अपनी ज़िंदगी बिता दें। बट फ्रेंड्स, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से स्टाइलिश ब्रेक के बाद।